दिल्ली के स्वरूपनगर थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। स्वरूपनगर थाना पुलिस ने दिल्ली से उड़ीसा जा रही ट्रक को हिरासत में लेकर ट्रक के अंदर मौजूद अनाज की बोरियों से करीब 787 किलोग्राम नशीला पदार्थ गांजा बरामद किया। इस भारी गांजे को मात्र अनाज की बोरियों में छुपाकर नस्का तस्करी करने वाले आरोपी जावेद को भी गिरफ्तार कर लिया। बाहरी उत्तरी दिल्ली जिला के DCP ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वरूपनगर थाना पुलिस की टीम ने गुप्त सूत्र के आधार पर ड्रग्स माफिया को गिरफ्तार कर जेल का रास्ता दिखाया है। इस ऑपरेशन में पुलिस ने 787.360 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया और एक बड़े ड्रग रैकेट को नष्ट किया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की और आरोपी मोहम्मद जबीर को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी उम्र 40 साल है। इस कार्रवाई में SHO आलोक कुमार राजन की देखरेख में पुलिस टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह ऑपरेशन ड्रग माफिया के खिलाफ पुलिस की जारी कार्रवाई में एक बड़ी सफलता है। एक आदमी को हमने पकड़ा है जिसका नाम है मोहम्मद जावेद। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और आगे जो भी इसमें लिंक है उनके खिलाफ भी लीगल एक्शन किया जाएगा। तो ये जो ट्रांसपोर्ट कर रहा था ये गेहूं के अंदर छुपा के लेके जा रहे थे। एस ऑफ नाउ हमने वेरीफाई किया तो अभी तक कुछ सामने आया नहीं है, बट वी आर स्टिल रिकॉर्डिंग एंड वी आर स्टिल ट्राइंग टू रिट्रीव चेक द रिकॉर्ड्स। अगर और कई पैसे मिल जाते हैं दैट इज ऑल पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन। अभी प्राइमरली ये इंफॉर्मेशन है कि ये जो जाबिर है he was carrying it from Orissa and he was bringing towards Delhi. information the basically drugs ka jo bust hote hai hum intelligence se to Delhi ke andar inhone koi apna thikana banaya hua tha sir. It's all these are matters pertaining to further investigation. So abhi hamare investigation mein jo aage badhega to usme hame pata chalega ye what is 216 bags of gehu tha isme inhone chipa ke rakha tha. So गांजे का वेट इज क्लोज टू 787 केजी 7.87 क्विंटल गांजा हमने सीज किया है। सॉरी इट्स ऑल पार्ट ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन। वी आर इन टच विद ओडिशा पुलिस। जाबिर अभी जाबिर ही अरेस्ट किया है। अभी ट्रक में तो हमें जो हमें इनको इंफॉर्मेशन के बेसिस में जो इंटरसेप्ट किया हम ट्रक में जाबेर ही चला रहे हैं।